हेलो दोस्तों, आपने अंतरिक्ष के बारे में तो सुना ही होगा, साथ ही वहां से आने वाले एलियन क्रिएचर के बारे में भी सुना होगा, परंतु क्या आपने उन्हें कभी देखा है? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में आप उन्हें जरूर देख लेंगे। दोस्तों, पृथ्वी जो कि रहस्यमय चीजों से भरी हुई है, यहां मनुष्य के साथ साथ कई अन्य जीव भी रहते हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इस दुनिया के ना होकर किसी अलग ही दुनिया के लगते हैं। तो चलिए जानते हैं इन अजीबो गरीब जीवों के बारे में। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। नंबर 8 पर है स्टार नोज्ड मोल। यह एक ऐसा जीव है जिसकी शक्ल पहली बार देखोगे तो शायद आपको यही लगेगा कि यह जरूर दूसरी दुनिया का ही क्रिएचर है। यह जीव नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इस मोल की नाक बहुस्टारी की तरह होती है। इसकी नाक पर लगी पंखुड़ियों को अपेंडिक्स कहते हैं। इस नाक की मदद से यह जीव कम ऑक्सीजन वाली जगहों पर भी जिंदा रह सकता है। यह मोल अपने नाक से छू कर भी किसी भी चीज का पता लगा सकता है कि वह जीव खाने लायक है या फिर नहीं। इस जीव की खाने की गति बहुत तेज होती है, कुछ ही सेकंडों में अपने शिकार को सफा चट कर जाता है। सबसे खास बात यह है कि यह जीव अपनी नाक से इलेक्ट्रिकल फील्ड ग्राउंड वाइब्रेशन के बारे में पता लगा लेता है और जानवरों की दुनिया में से सबसे अच्छा खुदाई करने वाला जानवर माना जाता है। नंबर 7 पर है टोमोपोट्राइज। यह एक पारदर्शी जीव है जो कि समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है। इसकी लंबाई कुछ सेंटीमीटर ही होती है। यह जीव अपने शरीर से अलग प्रकार की रोशनी निकालने के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। जब इस जीव को अपने किसी शिकार को गुमराह करना होता है तो यह अपने शरीर से येलो बायलो लुमिनस छोड़ने लगता है। इससे शिकार वहीं उलझकर रह जाता है। इस जीव की एक खासियत यह भी है कि यह चलते वक्त काफी शानदार लगता है और इसकी चलक देखने लायक होती है। तो बताइए, है ना यह जीव दूसरी ग्रह का रहने वाला। नंबर 6 पर है बॉबिट वार्म। यह जीव मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। इसकी लंबाई 3 फीट से 10 फीट तक की होती है। इस वार्म की खास बात यह है कि इसकी आंखें और सिर दोनों ही नहीं होते, जिसे हम कह सकते हैं कि यह जीव दूसरी दुनिया का है। यह जीव शिकार करने के लिए अपने शरीर को जमीन में पूरा गाड़ देती है, सिर्फ अपने मुंह का हिस्सा ही बाहर की तरफ निकाले रखती है। जैसे ही कोई शिकार इनके करीब आता है तभी यह अपने मुंह से अपने शिकार को दबोच लेती है और अपने साथ मिट्टी में खींच ले जाती है। यह वार्म सर्वहारी होते हैं और ज्यादा भूख लगने पर शैवाल व अन्य समुद्री पेड़ पौधे भी खा लेते हैं। नंबर 5 पर है टांग ईटिंग लॉस। दिखने में यह परजीवी बेहद ही छोटा होता है, परंतु यह जीव बेहद ही कुख्यात खूनी होते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह जीव खाने वाला परजीवी है, परंतु किसी इंसान का नहीं बल्कि मछलियों का। यह परजीवी मछलियों के गलफड़ों के द्वारा उसके मुंह तक पहुंच जाता है। यह परजीवी अकेला नहीं होता, मादा परजीवी हमेशा इसके साथ रहती है। मादा परजीवी मछली के जीव पर जाकर चिपक जाती है, वही नर परजीवी इसके पीछे रहता है। यह दोनों मिलकर मछली की जुबान खा जाते हैं और हमेशा के लिए मछली की नई जुबान बन जाते हैं और उसका खून पीते रहते हैं। टांग ईटिंग लॉस गुल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गुल्फ ऑफ गायकुइल के उत्तर में इक्वाडोर के साथ ही अटलांटिक के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यह जीव 2 मीटर से लेकर 60 मीटर की गहरे पानी में निवास करते हैं। इनके आकार में मादा 8 से 29 मीटर लंबी वो 4 से 14 मीटर चौड़ी होती है, वही नर 7.5 से लेकर 15 मिलीमीटर लंबे वो 3 से 7 मिलीमीटर चौड़े होते हैं। नंबर 4 पर है फ्रीलेड लिजार्ड। ये लिजार्ड ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाई जाती है और ये दिखने में किसी ड्रैगन से कम नहीं लगता। यह अन्य लिजार्ड से काफी अलग होती है। यह लिजार्ड अक्सर गर्म इलाके में पाई जाती है। इस लिजार्ड की एक चीज जो कि और लिजार्ड से इसको अलग करती है वह है इसके गर्दन के पीछे लटकते हुए झालर। यह झालर जब खुलते हैं तो इस लिजार्ड की शानो शौकत में 4 चांद लग जाते हैं। इस झालर के खुलते ही यह जीव किसी एलियन से कम नहीं दिखता। ये बेहद ही तेज रफ्तार से भागती है और ये भागने के लिए अक्सर अपने पिछले 2 पैरों का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं। इसके आहार में कीट पतंगे, चींटियां और छोटे छिपकलियां होती हैं। इस लिजार्ड की लंबाई 3 फीट और वजन करीब 1 से 1.5 किलो तक का होता है, जो कि इसे और भी ज्यादा खूंखार बनाता है। नंबर 3 पर है टार्डिग्रेड। इसे वाटर बियर के नाम से भी जाना जाता है। यह 1 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं और इस जीव के 8 पैर होते हैं।
टार्डीग्रेड इतने सूक्ष्म जीवी होते हैं, इसे नंगी आंखों से देख पाना बेहद कठिन होता है। इसलिए जीव को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। यह जीव दिखने में बिल्कुल एलियन क्रिएचर जैसा ही होता है, परंतु इससे भी होश उड़ा देने वाली बात यह है कि यह कभी मरते नहीं। जी हाँ दोस्तों, टार्डीग्रेड एक ऐसा जीव है जो कि किसी भी एटमॉस्फेयर में जीवित रह सकता है, भले ही एटमॉस्फेयर में 150 डिग्री सेल्सियस हो या फिर -200 डिग्री सेल्सियस हो। यह जीव अपने आप को किसी भी परिस्थिति में जिंदा रख सकता है। साल 2007 में यूरोप रिसर्चर टीम ने लगभग 3000 टार्डीग्रेड को अंतरिक्ष में 12 दिनों के लिए भेजा था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह जीव अंतरिक्ष में एटमॉस्फेयर में भी जीवित रहने में कामयाब रहे। टार्डीग्रेड जीवित इसलिए रह पाते हैं क्योंकि इनके शरीर में पैरा माइक्रोबायोटिक्स पाया जाता है जो इसे हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाए रखता है, जिसके कारण ही यह किसी भी एटमॉस्फेयर में अपने आप को जीवित रख पाते हैं। नंबर 2 पर है पॉडल मॉन्थ। इस जीव को आप पहली बार देखोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। यह देखने में बेहद ही डरावना होता है और किसी भी एलियन से कम नहीं लगता। इसको पहली बार वेनेजुएला कैनेमा नेशनल पार्क में देखा गया था और किर्गिस्तान जूलॉजिस्ट डॉक्टर ऑथर एंकर इस जीव की तस्वीर लेने वाले पहले शख्स थे। इसकी साइज की बात करें तो यह 2.5 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। पॉडल मॉन्थ अधिक ठंड वाले जगहों पर पाए जाते हैं। इस जीव के शरीर पर लगे फर इसको ठंड से बचाती है। यह बेहद ही मुलायम किस्म का जीव होता है और इसके शरीर के ऊपर लगे कान इसके शरीर से भी ठंडे होते हैं और इसकी काली आंख जो दिखने में बेहद ही ज्यादा डरावनी होती है, जो इसे एलियन क्रिएचर जैसा लुक देता है। नंबर 1 पर है ट्रिफोरा। यह जीव अब तक के सबसे अजीबोगरीब जीवों में से एक है। ब्राजीलियन ट्रिफोरा ज्यादातर साउथ अमेरिका, ब्राजील के रैन फॉरेस्ट और अफ्रीका के रैन फॉरेस्ट में पाया जाता है। जो चीज इस जीव को औरों से अलग करती है वो है इसकी बनावट। ब्राजीलियन ट्रिफोरा की बनावट ऐसी होती है कि यह दिखने में किसी एलियन से कम नहीं लगता। इस जीव के सिर के ऊपर काली बॉल जैसी डिजाइन देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यह दिखने में आंखों की तरह लगती है। साथ ही इसके शरीर पर के पीछे पंख होते हैं जो इन्हें बरसात से बचाती है। यह जीव जिंदा रहने के लिए एक ही तरह के पौधे को खा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इन एलियन जैसे जानवरों के बारे में जान सके। ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।